हेलो एवरीवन, नमस्ते। खुशबू किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मटन करी। मटन करी के लिए हम 1/2 kg मटन लिए हैं। 4 प्याज काट लेंगे। प्याज काटने के बाद हम कढ़ाई चढ़ा दिए गैस पे। तेज़पत्ता, जीरा और मिर्च का हम फ़ोरन डालेंगे इसमें, और हम प्याज काटे हुए थे वो सब हम डाल देंगे इसमें। उसको गोल्डन फ्राई कर लेंगे गैस को कम करके। गोल्डन फ्राई करने के बाद इसमें हम मटन डाल देंगे और गैस कम करके धीमी गैस पे हम इसको पका लेंगे। जब तक ये मेरा पकेगा तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला के लिए हम लिए बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, लहसुन, जीरा। उसको हम पीस लेते हैं सिलवट्टे पे। मशीन में हम नहीं पीसते, हमको अच्छा नहीं लगता। तो उसमें तब तक हम क्या किए, हम मटन में नमक डाल के फिर उसको गैस कम करके उसको अच्छे से हम ढक के पका लेते हैं। मसाला मेरा तैयार हो गया। हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची, सब अपना स्वाद अनुसार डाल दीजिएगा। डालने के बाद हम इसको क्या करते हैं, 2 मिनट तक पानी डाल के फूलने के लिए छोड़ देते हैं कि मसाला अच्छा से मिक्स हो जाए। तब तक हम क्या किए थे, इसमें डाल दिए वो दिखाना हम भूल गए थे मटन में, और अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद देखिए इस तरीके से आप खा सकते हैं। हम क्या किए, थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिए हैं। पानी डाल के इसको हम अच्छे से पका लेते हैं। पकाने के बाद मेरा ये देखिए मटन करी तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, टेस्टी बना है।